Okay, now let us discuss something by independent events and mutual exclusion. ये दोनों बातें एक जैसी लगती हैं पर हैं अलग. ठीक है, समझना कैसे है इसको. इंडिपेंडेंट भी वही है कि दो इवेंट्स आपस में दे हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी यही कहता है दैट टू इवेंट्स हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर. बट दिस इज अ टू स्टेज इवेंट एंड दिस इज अ वन स्टेज इवेंट. मतलब कि जो दो इवेंट्स यहाँ पर हम जो दो इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह रहे हैं वो एक ही इवेंट में होने चाहिए, और जो जब इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो वो दो इवेंट्स अलग अलग इवेंट्स होते हैं, टोटल अलग इवेंट्स होते हैं. यहाँ पर वो एक इवेंट होता है. जैसे आपने एक सिक्का उछाला हेड और टेल आने का, क्या चांसेस हैं? ये दो केसेस जो हैं ये हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ना कि इंडिपेंडेंट. बट आपने दो बार सिक्का उछाला, पहले वाले पे हेड आया, दूसरे वाले पे टेल आया, ये जो दो इवेंट्स हैं E1 और E2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड ऑन द फर्स्ट वन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल कमिंग ऑन 2, इनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट. इससे ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है पेयर वाइज, और उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा. अब हमारे पास में सिर्फ इतना ही काफ़ी है. ठीक है, सो ये E1 और E2 ये है कि अलग अलग इवेंट्स में जो टर्म आएंगी वो इंडिपेंडेंट होती है. सेम इवेंट की बात होती है तब हम उनको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. ठीक है, तो जब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो अगर उनकी एक प्रॉपर्टी याद कर लो, अब A1 A2 इज नथिंग बट PA इंटू PB. अगर ये B ले लेता हूँ तो ठीक है. और म्यूचुअल एक्सक्लूशन में मैं क्या कर रहा था, PA यूनियन BA वॉज PA प्लस PB. ठीक है, तो अगर तुम्हारे को बहुत सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हैं और उसमें यूनियन लगा हुआ है, सो यू कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग दिस मेथड. दिस इज PA यूनियन BA यूनियन BA इन जनरल इज 1 माइनस PA बार इंटरसेक्शन BA बार इंटरसेक्शन CA. और ये सिंस तुम्हें पता है इंडिपेंडेंट है तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा. सो दिस इज ठीक है, इसकी वैल्यू फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इज दिस. ठीक है, इतना ही करने की जरूरत है, ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत है क्योंकि पता नहीं चलेंगे कहाँ यूज हो रहे हैं. नाउ लेट अस कम टू न्यू टॉपिक, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज द मेन पार्ट नाउ फॉर प्रोबेबिलिटी. यहाँ से मेन पार्ट शुरू होता है. एज द नेम सजेस्ट कंडीशन, कुछ ना कुछ कंडीशन लगी है फिर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इसको लिखते कैसे हैं, फालतू की बातें छोड़ के सीधा काम की बात करते हैं. दिस इज रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. कंडीशन लग गई है क्या कि बी ऑलरेडी अकर कर चुका है, सो देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. इसका फॉर्मूला सिंपली ये हो जाता है, ए और बी का इंटरसेक्शन अपॉन PB, जो नीचे आ रहा है वो नीचे आ जाता है. सो इसको रीड आउट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन. बहुत सारे तरीके हैं, बेसिक तरीका क्या है समझने का, यार बी अगर हो चुका है फिर ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये डिटरमिन करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इसी में एक आ जाती है साथ किस साइड, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम. मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या कहती है, अगर ये सारी कब है इवेंट्स अलग अलग स्टेज पे अकर कर रहे हैं, एक साथ इवेंट्स नहीं है कि ए और बी, जैसे हेड और टेल वाला केस नहीं है. ये दो सिक्के फेंके गए तो एक पार्ट हुआ पहला सिक्का, दूसरा हुआ दूसरा टॉस हुआ दूसरा सिक्का, ये उस टाइप के इवेंट्स के लिए क्वेश्चन है. सो व्हेन यू आर गिवन ए इंटरसेक्शन बी व्हाट यू कैन हैव टू से, जो इवेंट पहले हुआ है, अगर मैं कहता हूँ मेरा इवेंट ए पहले हुआ है, सो PA into probability of B such that event A has already taken place. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ P B intersection A where B has all V was the first event to take place, so PB पहले आएगा into PA such that B has already taken place. देखा जाए तो हमने फॉर्मूले में कुछ भी नहीं करा है, यू हैव जस्ट सेंड दिस पार्ट ओवर हियर. बट समझने का तरीका बिल्कुल अलग है कि अगर आप निकालना चाहते हो प्रोबेबिलिटी दो इवेंट्स की सच दैट बोथ ऑफ देम शुड अकर, साइमल्टेनियसली नहीं बोथ ऑफ देम शुड अकर, तो क्या होगा, पहले इवेंट पी को अकर करवाओ. ठीक है, फिर की कंडीशन लगाओ कि ऑलरेडी अकर कर चुका है पी, तो फिर ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दिस इज देयर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी. ओके, क्वेश्चन लेके समझेंगे तो समझ में आएगा. ठीक है,